हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेटिंग फॉर गॉड आउट बाई सैमिल पकेट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस डिसप्ले परफॉर्म मैनी एक्शन द टाइटल ऑफ़ द प्लेस एम्बोलाइज जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जब सबसे फर्स्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इस प्ले की डेट ऑफ पब्लिकेशन इसमें एक्ट कितने हैं हाउ मेनी करेक्टर्स इस डिसप्ले कंसिस्ट ऑफ प्ले की सेटिंग डिस्कस की थी इसमें एक्ट कितने हैं एक्ट की सेटिंग डिस्कस की थी और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ इस प्ले में कोई एक्शन है या नहीं है और इसके अलावा टाइटल ऑफ द प्लेस एम्बोलाइजिज़स उसके साथ ही साथ रिपीटेडली स्पोकन डायलॉग्स जो इस प्ले के अंदर जो रिपीटेडली स्पोकन डायलॉग्स हैं वो जो बोले गए हैं वो डिस्कस करेंगे इस प्ले के थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो मोस्टली आते ही आप लोगों के जो है वो डायलॉग से रिलेटेड है क्योंकि इसमें मोस्टली जो डायलॉग्स बोले गए हैं करैक्टर्स के थ्रू वो डायलॉग्स जो हैं वो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं नॉट स्पेसिफ़िक डायलॉग्स नहीं हैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो जो डायलॉग है इस प्ले के वेटिंग फॉर गोड आउट जो आप लोगों के एफ के एग्ज़ाम है या पी के इंग्लिश के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सिलेबस में इंक्लूड क्डेड है तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इस जो आप लोगों का प्ले है वेटिंग फॉर गोड आउट इसके जो करेक्टर्स के थ्रू या फिर इसके जो डायलॉग्स हैं उसके थ्रू एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और स्पेसिफिकली इस प्ले के अंदर जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एब्जर्ड प्लेस की और ये प्ले जो है वो एब्जर्व प्ले के एब्जर्ड प्ले की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो फुलफिल करता है या नहीं करता और इसके साथ ही साथ इस प्ले के अंदर जो यूज़ किए जाने वाले मेजर थीम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्ले के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस प्ले के डायलॉग्स हैं जो करैक्टर्स ने जो की है वो डिलीवर किए हैं बोले हैं वट इट हैपन इन द प्ले एज द प्ले प्रोसीड जैसे ही प्ले प्रोसीड करता है तो प्ले के अंदर क्या होता है इज़ देर एनी स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ दिस प्ले क्या इस प्ले का कोई स्पेसिफिक प्लॉट है कोई स्पेसिफिक स्टोरी है कोई इवेंट है या नहीं है वट टाइम इन दिस प्ले स्टैंड फॉर इस प्ले में टाइम क्या स्टैंड करता है ट्रीटमेंट ऑफ टाइम इन दिस प्ले और इसके साथ ही साथ देर इज सम समस्िटिंगशन बिटवीन मोमेंट्री एंड द इटर्नल टाइम और वट इज़ द कॉमन सब्जेक्ट फॉर एब्जर्व प्ले राइटर्स का कॉमन सब्जेक्ट क्या था ये सारे हम uh, जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर वन से जो कि हमारे पास है एक्ट्स ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गॉड आउट द प्ले एज अ ट्रैजिक कॉमेडी इन टू एक्ट्स ये जो हमारे पास प्ले है वेटिंग फॉर गॉड आउट ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है कहीं कोई कहीं कहीं ये प्ले जो है वो ट्रैजिक लगता है और कहीं कहीं ये लगता है हमें कॉमिक ह्यूमरस लगता है क्योंकि ऐसे लगता है कि जो राइटर है वो डिटिक्यूल कर रहा है दो एक्ट्स हैं इस प्ले के अंदर तो इस प्ले के अंदर एक्ट कितने हैं दो एक्ट तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि वेटिंग फॉर गोडोट जो है उसके अंदर एक्ट कितने हैं और इस प्ले में एक्ट कितने हैं वेटिंग फॉर गोडोट में दो एक्ट हैं इस प्ले में इ दिस प्ले परफॉर्म एनी एक्शन तो ये भी आ सकता है कि जो वेटिंग फॉर गोड आउट है वो एक्शन लेस प्ले है या नहीं है ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है तो वेटिंग फॉर गोड आउट जो है वो किस तरह का प्ले है ये आ सकता है कि एक्शन लेस है या एक्शन है इस प्ले में ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो दिस प्ले इज़ एक्शन लेस और वी माइट से देयर इज़ डेथ ऑफ एक्शन इन दिस प्ले वेटिंग फॉर गोड आउट में एक्शन की डेथ है एक्शन नहीं है ठीक है कोई भी एक्शन नहीं है कोई भी करेक्टर्स आप देख लें इस प्ले के अंदर जो ब्लाडिवर है एस्ट्रा है पोजो है लकी है दे आर लिविंग इन द वर्ड ऑफ डायलॉग्स ठीक है इन द वर्ल्ड ऑफ वेटिंग दे आर नॉट डूइंग एनी एक्शन नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर आल करैक्टर्स लाइफ लाइज आल ब्लैक एंड बैरन बिफोर दैम सारे जितने भी करैक्टर्स हैं उनके लिए लाइफ जो है वो ब्लैक है और बैरन है एस द एस्ट्रोकॉन डायलॉग विच इज़ रियली टचिंग एस्ट्राकोन का डायलॉग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि ये डायलॉग जो है वो किस करैक्टर ने बोला है ये ये वाला डायलॉग किस करेक्टर क्या है किस करेक्टर ने कब प्ले में बोला किस एक्ट में बोला पहले एक्ट में बोला या दूसरे एक्ट में बोला ये आ सकता है और फेमस डायलॉग कौन से हैं इस प्ले के अंदर तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इस प्ले के आपके एग्जाम में आते हैं देर इज अ वर्ड ऑफ निगेशन इन विच इन एक्टिविटीज कोर्स तो एस्ट्रागोन ने कहा था ये डायलॉग के एक वर्ड है निगेशन की अगर आपने वर्ड को निगेट करना है निगलेक्ट करना है तो उसमें इन एक्टिविटी इज़ द सेफेस्ट कोर्स अगर कोई आप एक्ट नहीं करेंगे ठीक है तो ये इससे ही पता चल जाता है इस डायलॉग्स एस्ट्रागोन के डायलॉग से ही पता चल जाता है कि ये प्ले जो है वो एक्शन लेस है कि जो आप का करेक्टर है एस्ट्रागोन वो ही कह रहा है कि अगर आप सेफेस्ट कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं अपने आप को बचाना चाहते हैं सेव रखना चाहते हैं ठीक है, है? तो उस वह को चाहिए कि आप जो है वो इनएक्टिव हो जाए आप कोई एक्शन नहीं करें एक्शन लेस हो जाए ठीक है एज एस्ट्रागोन सेज डोंट लेटस डू एनी थिंग इट्स सेफर तो एस्ट्रागोन ने यह भी कहा कि डोंट लेट एस डू एनी थिंग इट्स सेफर इट मीन्स कि ये प्ले जो है वो एक्शन लेस है एट द एंड ऑफ द प्ले एस्ट्रागोन एंड सुसाइड के बारे में थोट uh, सोचते हैं दोनों करैक्टर जो एस्ट्रागोन है और बिलाटिमर लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाते बट द वर्ड ऑफ दिस डे इज़ वन इन विच नो सिग्निफिकेंट एक्शन इस पर मेडी क्योंकि ये एक ऐसा प्ले है और इसमें एक ऐसी करेक्टर इसकी वर्ड दिखाई गई है जिसमें कोई एक्शन नहीं है एक्शन लेस है तो यहाँ पर वो सुसाइड

एंकल्स पर चोट लगी होती है और कंटिन्यूसली उस पेन की वजह से वो सफ़र कर रहा होता है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता और उसके साथ ही साथ आपने दूसरा करैक्टर जो देखा है विलाडिमर का विलाडिमर जो है वो अब अच्छे से हंस नहीं पाता लाफ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी किडनीज में पेन होती है जब वो खुल के हंसता है उसके साथ ही आ, साथ आप करेक्टर देखेंगे लकी का तो लकी भी क्योंकि आप देखें दूसरे एक्ट के अंदर जो पोज़ो होता है जो लकी का मास्टर होता है मास्टर और स्लेव की एक स्टोरी है लकी और पोज़ो की पोज़ो जो मास्टर होता है लकी का वो ऑल दो दूसरे सेक्ट जो सेट है या दूसरा जो एक्ट है उसमें ब्लाइंड हो जाता है लेकिन फिर भी जो लकी होता है वो पोज़ो के पोजों को ओबेक करता रहता है और कोई एक ऐसा रास्ता नहीं निकालता कि वो उसकी इंस्लेवमेंट से जो है वो आज़ादी पा ले उसके बाद है टाइटल ऑफ़ द प्ले सिम्बलाइज इस प्ले का जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोडाउट वो क्या सिंबलाइज करता है वेटिंग फॉर गोड मे बी सिंबल ऑफ मैनज़ वेटिंग फॉर अ डिवाइन सेवियर हो सकता है कि इंसान जो है वो एक गॉड की अल्लाह की या एक, एक ऐसे सेवियर की uh, का वेट कर रहा हो अवेड डैट इज़ ओबियसली मस्ट गो ऑन एक ऐसा वेट जो कि चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है नहीं रुक रहा

ठीक है ये आ, आपका व्यू जो है इस फैक्ट से भी स्ट्रेंथ हो जाता है कि जो दोनों ट्रैम्स थे एस्ट्रागोन और एमलेस पर्सन एस्ट्रागोन और विलाडीमर जो दोनों एमलेस पर्सन हैं वो एडमिट करते हैं वो गोडोर्ट से रिक्वेस्ट भी नहीं करते कि वो कोई उनके लिए एक डेफिनेट काम कर ले पर्पजफुल कोई उनके लिए काम कर दे ऑल दे डू इज़ टू मेक अ सॉर्ट ऑफ प्रेयर और सप्लीकेशन टू हीम ऐसे लगता है कि जैसे वो एक प्रेयर कर रहे हैं वो गॉड से जो है वो दुआ मांग रहे हैं विलाडिमर सेज नो मोर देन वंस दैट इफ़ गॉड आउट कम्स विलाडीमर जो है जब एशक् कहता है कि गॉड विल कम वही विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे तो जो बिलाडीमर है वो उसे क्वेश्चन भी नहीं करता कि एक दफ़ा भी उसे क्वेश्चन नहीं करता कि गॉड आउट आया है या नहीं आया दे वुड बी सेवड और वही वो कहता है कि अगर वो आ जाएगा तो हम सेव हो जाएंगे दे आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड गो ऑन और ये इस पूरे प्ले के अंदर देखेंगे तो सारे करेक्टर्स जो हैं दे आर जस्ट वेटिंग फॉर सम थिंग वेटिंग फ़ॉर अ पर्सन वेटिंग फॉर एनिमेजनरी पर्सन दैट इज़ गॉड आउट जो कि कोई एक्शन लेगा इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे रिपीटिडली स्पोकन डायलॉग्स इस प्ले के अंदर कौन से हैं ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्ले में रिपीटडली स्पोकन डायलॉग्स क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के जो इंग्लिश के लेक्चरशिप के एग्जाम्स हैं उसमें उसके सिलेबस में क्योंकि वेटिंग फॉर गॉड आउट है तो इसके थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के रिपीटडली स्पोकन डायलॉग्स और इसके साथ ही साथ थीम्स में से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली रिपीटेड डायलॉग्स जो हैं वो है नथिंग टू बी डन देखिए ये आप लोगों का एक्ट तो फर्स्ट जब स्टार्ट ही होता है तो फर्स्ट पेज पे ही ये डायलॉग है नथिंग टू बी डन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं हुआ है नथिंग हैपन्स कुछ नहीं हो रहा नो बडी कम्स नो बडी गोस इट्स ऑफुल और ऐसे लगता है कि ये कुछ ये एक सफरिंग मूवमेंट है एक सफरिंग डेस्टिनेशन है एक मिज़रेबल जो है वो स्टेट है ऑफ द करेक्टर्स ऑफ द ट्रैम्स जो इस प्ले के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं कोई प्ले के अंदर आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा वो ही जो करेक्टर हैं वही करैक्टर हैं बैरननेस है फ्यूटिलिटी है करैक्टर्स uh, uh, की फ्यूटिलिटी है एमलेसनेस है होपलेसनेस है एब्जर्डिटी है तो ये डायलॉग्स जो वो बहुत ज्यादा करैक्टर्स के थ्रू बोले गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इज़ देर स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ दिस प्ले क्या इस प्ले का कोई स्पेसिफिक प्लॉट है कोई स्पेसिफिक स्टोरी है जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोटल जो कहता है कि वो अगर किसी प्ले का प्लॉट जो है उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग हो प्रॉपर मिडल हो प्रॉपर एंड हो उसमें क्लाइमैक्स हो हीरो uh, जबरदस्त हो तो वो एक स्टोरी या एक प्ले जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्ले कंसिडर होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इस प्ले के अंदर द गुड प्लेज यूजली हैव गुड स्टोरी एन अ प्लॉट बट एन अब्जर्ड प्ले वई माइट फाइंड वी माइट नॉट फाइंड एनी प्लॉट हमें कोई प्लॉट नहीं मिलेगा नॉट इवन अ स्टोरी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी अब इस प्ले के अंदर देख लें दो एक्ट है हमें इस प्ले के अंदर कोई पता नहीं चल रहा कि व्लाडीमर की स्टोरी क्या है एस्ट्रेगोन की स्टोरी क्या है पोजो की स्टोरी क्या है लकी की क्या है गोडोट कौन है सारे जो हैं करेक्टर जो हैं वो एब्जर्ड करेक्टर हैं क्योंकि एक्शनलेस करेक्टर हैं जिस प्ले के अंदर एक्शन नहीं होता उसकी स्टोरी नहीं होती जिसकी स्टोरी नहीं है तो उसका मतलब प्लॉट नहीं है प्लॉट और स्टोरी सेम चीज़ होती है द सेम इन द केस विद दिस प्ले एज वेल गोडोट में भी कोई भी प्लॉट या कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है कोई इवेंट नहीं है देर आर फिलोसिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देट आर गिवन इन द शेप ऑफ डायलॉग्स तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्ले के अंदर जो डायलॉग्स हैं वो एक आपके राइटर के सैम्यल uh, बकिट के फिलासफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनको डायलॉग की शक्ल देगी है बट देर इज नो स्टोरी एंड स्पेसिफिक प्लॉट कोई स्टोरी नहीं है कोई भी स्पेसिफिक प्लॉट जो है इस प्ले के अंदर नहीं है तो एक बात ये कि इसमें दो एक्ट हैं दूसरी ये कि इस प्ले के अंदर ये एक्शनलेस प्ले है और तीसरी बात ये कि इसके अंदर कोई प्लॉट नहीं है यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली डायलॉग जिसमें नथिंग टी तो

इक्विलिब्रियम जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में टाइम स्टैंड स्टिल टाइम रुक गया है दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश टाइम टाइम को डिस्टिंग्विश करने में अनएबल है क्योंकि वो जस्ट वेट कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं एक रात गुजरती है दिन आ जाता है फिर दिन गुजरता है रात आ जाती है और वेट कर रहे हैं वो टाइम को रिकगनाइज नहीं कर पा रहे डे डिननाइज लकी एंड पोजो होम हैड मेट बिफोर अब यहाँ पे देखें व्लाडीमर जो एस्ट्रागोन है एस्ट्रागोन और व्लाडीमर है जब वो पोजो और लकी को देखते हैं तो वो उनको पहचाने से इनकार कर देते हैं आल दो वो एक दूसरे से पहले से मिल चुके होते हैं द मेन पर्पज़ इज़ टू किल टाइम एज वेल एज पॉसिबल और उनका मकसद जो है सिर्फ जस्ट टाइम को किल करना टाइम को जो है वो वेस्ट करना वेस्टिंग ऑफ टाइम ठीक है मिजरेबल सिचुएशन और पेन में जब होते हैं क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है लॉन्ग हो जाता है स्टैटिक हो जाता है तो उस टाइम को जो है उन्होंने गुजारना है उसको पास करना जस्ट पासिंग टाइम दे आर जस्ट किलिंग टाइम एज वेल एज पॉसिबल फॉर दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉक टाइम एंड सब्जेक्टिव टाइम इज़ वन ऑफ द थीम ऑफ वेटिंग फॉर गोड आउट एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल सिंस वन बिकम्स पेन फुली कॉन्शियस ऑफ द टाइम एंड दैन वन इज़ वेटिंग वो कहते हैं कि इस प्ले के अंदर दो तरह के टाइम यूज़ किए गए एक क्लॉक टाइम और दूसरा सब्जेक्टिव टाइम सब्जेक्टिव टाइम टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है तो वेटिंग फॉर गोड आउट में जो हमारे पास डिस्टिंगशन है क्लॉक टाइम और सब्जेक्टिव टाइम ये एक थीम है वेटिंग फॉर गोड आउट का और एक नेचुरल थीम है जिसमें है एक आदमी जब वो पेनफुली कॉन्शियस हो जाता है टाइम के बारे में जब वो वेट कर रहा होता है टाइम का जब जब पेन में होते हैं और टाइम का वेट कर रहे होते हैं तो तब वो टाइम जो होता है वो लंबा हो जाता है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे इस प्ले का जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोडोट वो सिंबलाइज क्या करता है इसके अंदर एक्ट कितने हैं इसके अंदर एक्शन है या नहीं है प्लॉट है या नहीं है और इसके साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया है कि टाइम इस प्ले के अंदर क्या स्टैंड करता है तो हमें हमने देखा कि इसमें दो एक्ट हैं एक्शन नहीं है कोई प्लॉट नहीं है ठीक है और इसके अलावा हमने कहा कि वेटिंग फॉर गोडोट जो है वो सिम्बलाइज करता है डिवाइन सेवियर डिवाइन सेवियर जो आएगा जो कि यहाँ पर मौजूद इस प्ले में करेक्टर्स हैं जो एक्शन लेस हैं एमलेस हैं होपलेस हैं, पर्पस लेस हैं हेल्पलेसनेस है उनके अंदर वो वेट कर रहे हैं गोडोट का कि को डॉट आएगा और उन, आ, उनकी जो है पेंस है आ, उनसे उनको रिलीफ मिल जाएगी तो हमने डिस्कस किया अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस लेक्चर के रिलेटेड या इस आप लोगों को प्ले के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आ, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगले लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे मेजर थीम ऑफ द प्ले दर्स ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग